हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल एनपीसी ज्ञान भंडार सब्सक्राइब माय चैनल एनपीसी ज्ञान भंडार एंड अल्सो टेप दी बेल बटन फॉर अपडेट्स माय सेल्फ निर्मल प्रजापति ऑनलाइन क्लासेस बाय एनपीसी ज्ञान भंडार क्लास फाइव टू टेन सब्जेक्ट मैथ साइंस एंड कंप्यूटर of any boards ICC CBSE Jack or any state board of english medium class 11th and 12th subject physics math and computer science of any board ICSE, CBSE Jack or any state board of english medium for more information contact on my whatsapp number 9431703940 and note personal online video classes also given here that are chargeable कोविड नाइन्टीन स्टे ऐट होम स्टडी एट होम ये चैप्टर है कंप्यूटर नेटवर्क्स जो कि क्लास एट कंप्यूटर साइंस का है ओके और ये पार्ट टू है कंप्यूटर नेटवर्क्स का ओके नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स का ओके आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप पार्ट वन को नहीं देखें तो पहले पार्ट वन को देख लें तभी पार्ट टू को देखें पार्ट वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ओके okay? और मेरे प्ले में भी मिलेगा आपको तो इसमें हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क ओके टाइप्स ऑफ नेटवर्क को देखते हैं चलिए इससे पहले वाला सब पार्ट वन में कवर किया हुआ है एक कंप्यूटर नेटवर्कस कैन बी इनसाइड अ रूम ए बिल्डिंग सिटीज कंट्रीज और इवन कंटीनेंट डिपेंडिंग अपॉन द एरिया कवर्ड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नेटवर्क्स आर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एज गि बिलो नेटवर्क जो हो सकता है वो कंप्यूटर नेटवर्क एक रूम के अंदर भी हो सकता है एक बिल्डिंग के अंदर हो सकता है एक शहर के अंदर हो सकता है एक देश के अंदर हो सकता है यहाँ तक इवन एक कॉन्टिनेंट के अंदर भी हो सकता है डिपेंडिंग अपन एरिया कवर मतलब उसको कितना बड़ा एरिया कवर करना है उस पर डिपेंड करेगा नेटवर्क आओ डिफ़रेंट कैटेगरीज नेटवर्क जो है अलग अलग कैटेगरीज का हो सकता है देखेंगे अगले पेज में और एक टेक फैक्ट टेक टॉक दिया हुआ है प्रोटोकॉल्स की प्रोटोकॉल क्या होते हैं प्रोटोकॉल इज स्पेशल सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस प्रोटोकॉल कुछ रूल्स होता है स्पेशल रूल्स स्पेशल सेट्स ऑफ रूल्स होता है मतलब उसमें नियम होते हैं कानून होते हैं उनके भी मतलब इन्फॉमेशन जैसे हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसके भी कुछ कानून हैं रूल्स हैं ओके तो उन्हीं को प्रोटोकॉल्स बोला गया है तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं फर्स्ट है पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसको शॉर्ट में पेन बोलते हैं पी ए एन पेन जनरली कवर्स द रेंज विद इन टेन मीटर्स पेन जो है वो दस मीटर जनरली कवर करता है अबाउट थर्टी फीट जो लगभग थर्टी फीट के बराबर होता है ऑर्गेनाइज अराउंड एन इंडिविजुअल पर्सन जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ रहता है इट कैन बी क्रिएटेड वाया आ केबल्स ब्लूटूथ और इंफ्रा रेड ओके okay, जो कि ये क्रिएट किया हुआ जा सकता है किसके थ्रू केबल्स के थ्रू ब्लूटूथ के थ्रू या इन्फ्रारेड के थ्रू जैसे हम लोग रिमोट यूज करते हैं वो भी क्या पेन के अंदर आता है पर्सनल एरिया पर्सनल एरिया नेटवर्क ब्लूटूथ यूज करते हैं वो भी पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है ओके व्हेन यू कनेक्ट्स योर लैपटॉप प्रिंटर मोबाइल फोन्स और आई इन योर होम यू आर क्रिएटिंग ए पेन जब हम लोग यद यूज करते हैं अपने घरों में लैपटॉप यूज करते हैं प्रिंटर यूज करते हैं मोबाइल यूज करते हैं आईपैड यूज करते हैं तो ये सब क्या है पेन के अंदर आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएटेड बाई यूजिंग ब्लूटूथ और समटाइम्स कॉल्ड पीकोनेट्स जब हम लोग ब्लूटूथ यूज कर ब्लूटूथ क्रिएट करके कुछ नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर जो ब्लूटूथ यूज करके हम लोग कर रहे हैं तो उस को बोला जाता है कभी कभी पिकोनेट्स बोला जाता है ओके और जो कि लगभग टेन मीटर के रेंज में होता है तो एक टॉक दिया हुआ है ब्लूटूथ ब्लूटूथ वाज इनिशियली डेवलप्ड एज शॉर्ट लिंक रेडियो टेक्नोलॉजी इन नाइनटीन बाय नाइन निल्स रेडबेक एंड जोहान यूलमैन ओके साइंटिस्ट का नाम है जो लोग ब्लूटूथ का इन्वेंट किया ब्लूटूथ को इन्वेंट किया था बनाया था 1989 में ओके तो ये पिकोनेट कहलाता है ब्लूटूथ का ब्लूटूथ क्रिएट करना नेक्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क जिसको शॉर्ट में लैन बोलते हैं लैन इज यूज वेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद इन स्मॉल एरिया लाइक रूम बिल्डिंग हाउस और कैंपस लैन इज लो कॉस्ट हाई स्पीड एंड सिक्योर्ड नेटवर्क सिक्योर्ड नेटवर्क लैन कैन कवर एन एरिया विद इन टेन किलोमीटर लैन कैन बी वायर्ड और वायरलेस कंप्यूटर कनेक्टेड इन योर स्कूल लेब इन बिजनेस हाउस एग्जाम्पल ऑफ लैन लैन जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर कोई स्मॉल एरिया को कवर करके सपोज एक रूम में या फिर एक बिल्डिंग में या फिर एक कैंपस में जैसे कॉलेज कैंपस है स्कूल कैंपस है उसमें अगर तो कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया है तो वो लैन के थ्रू किया जाएगा ओके okay? जो कि वायर के थ्रू भी हो सकता है वायरलेस के थ्रू भी हो सकता है जैसे हमको अपने कैंपस में सी लगाना है तो ये किसके थ्रू पॉसिबल होगा लैन के थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू ओके प्रिंटर जोड़ना है वो भी लैन के थ्रू ओके दूसरे कंप्यूटर को अपने दूसरे रूम में कनेक्ट करना है ठीक एक कंप्यूटर को दूसरे रूम के साथ कनेक्ट करना है तो वो लैंड के थ्रू होगा ठीक जो कि एक बिल्डिंग में हो सकता है एक रूम के अंदर हो सकता है एक कैंपस के अंदर हो सकता है ओके विद इन टेन किलोमीटर्स ओके लैंड कहलाएगा ओके लोकल एरिया नेटवर्क नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको मैन बोलते हैं एम ए एन ओके मैन इज कंप्यूटर नेटवर्क इन जोग्राफिक एरिया लार्जर देन लैंड जनरली स्प्रेड इन ए सिटी द मैक्सिमम रेंज ऑफ मैन कैन बी फिफ्टी किलोमीटर्स ओके ये याद रखिएगा रेंज किसका रेंज कितना है इट इज यूजली फॉर्म्ड बाई इंटरकनिकटिंग अ नंबर ऑफ लेंस एंड इंडिविजुअल कंप्यूटर्स द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ आवर मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज आवर केबल टेलीविजन नेटवर्क सिंस इट कवर्स एंटायर सिटी इट इज़ अ टाइप ऑफ मैन ऑफिस ऑफ कंपनी स्प्रेड इन एंटायर सिटी इज़ कनेक्टेड टुगेदर मैन क्या होता है मेन थोड़ा लेन से ज़्यादा होता है लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ा हाई मतलब पूरे एक शहर में जोड़ना है एक शहर को जोड़ना है ठीक और ये पचास किलोमीटर तक फैल सकता है पचास किलोमीटर तक हो सकता है ये मैन ठीक और ये क्या हो सकता है ये ज्वेलिक ज्वेलिक इससे दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जोड़ेगा एक शहर के अंदर पचास किलोमीटर के अंदर या फिर लैन को जोड़ेगा सपोज एक रूम में आपका ऑफिस है दूसरे रूम में थोड़ा शहर से थोड़ा सा दूर दस किलोमीटर दूर फिर दूसरा ऑफिस है तो उसको किसके थ्रू जोड़ेंगे मैन के थ्रू ओके जैसे इसका मोस्ट एग्जाम्पल है टेलीविज़न केबल जो आता है हम लोग का एक शहर में पूरे शहर को कवर करता है टेलीविज़न केबल ओके केबल टेलीविज़न जो आता है जिसमें पोल के थ्रू लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी पोल के थ्रू वायर केबल का जाता है तो ये पूरे शहर को कवर करता है किसके थ्रू मैन के थ्रू मैन नेटवर्क यूज होता है उसमें ओके ऑफिस ऑफ ए कंपनी ये भी एक मैन के थ्रू कनेक्ट हो सकता है ठीक नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क वैन डब्ल्यू एन ओके ए वैन स्पेंस ओवर ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया ऑफ एन ए कंट्री और कंटिनेंट वैन जो हो सकता है ये क्या हो सकता है ये पूरे जोग्राफिकल एरिया में कवर किया जा सकता है ओके It requires a public telecommunication media such as telephone system, optic fibers cable, or a satellite. Internet is an example of vein, which is largest vein in the world. Another example of vein is multinational company having offices in almost all the countries. Vain क्या हो सकता है किसी भी कंट्री में भी हो सकता है पूरे कंट्री को भी कवर कर सकता है वे ठीक और इसके लिए क्या चाहिए पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन का ज़रूरत पड़ता है जैसे कि टेलीफोन सिस्टम ऑप्टिक्स फाइबर केबल और सैटेलाइट ठीक इसके थ्रू पूरे देश को कवर किया जा सकता है एक जोग्राफिकल एरिया को कवर किया जा सकता है ठीक इसका मेन अच्छा सा एग्जाम्पल है इंटरनेट जो हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू करते हैं फिर ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू करते हैं ठीक तो ये इंटरनेट जो है एक लार्जेस्ट वेन है पूरे वर्ल्ड में जिसके थ्रू मल्टीनेशनल कंपनी जो कनेक्टेड है अनदर अनदर कंट्री में वो किसके थ्रू कनेक्टेड है वेन के थ्रू ओके नेक्स्ट है अच्छा एक टेक कनेक्ट दिया हुआ है वायरलेस वायरलेस मतलब क्या होता है वायरलेस इज द मीनस ऑफ कम्युनिकेशन विच यूज लो पावर लो पावर्ड वेव्स टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन डिवाइसेस। वायरलेस एक कम्युनिकेशन का तरीका है जिसके जिसमें लो पावर यूज होता है लो पावर रेडियोवे यूज होता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए डिवाइस के बीच नेक्स्ट है नेटवर्क टोपोलॉजी ओके नेटवर्क टोपोलॉजी पे आते हैं पैटर्न्स और वे ऑफ अरेंजिंग कम्प्यूटर्स एंड अनदर एंड अदर पेरीफेरल डिवाइसेज टू फॉर्म ए नेटवर्क इज नॉन एज नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब नेटवर्क से तो कनेक्ट करना है कम्प्यूटर को लेकिन अलग अलग तरीके से मतलब अरेंजिंग करके कंप्यूटर्स किस किस फॉर्म में अरेंज हो स हो रहा है उस पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी उसमें पेरिफेरल डिवाइस भी कनेक्ट है मतलब किस पैटर्न में कनेक्ट है उसको बोलेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी फिर एक टेक फैक्ट्स है ऑटोमेटेड टेलर मशीन ए जिसको बोलते हैं इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क वैन ठीक ऑटो ए जो है वो वैन का एग्जाम्पल है चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं पहला टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी जिसको लीनियर टोपोलॉजी भी बोलते हैं ओके इस टोपोलॉजी इच मोड इज अटैच डायरेक्टली टू अ सेंट्रल केबल विथ द कॉमन कम, कम्युनिकेशन मीडियम फॉर ऑल द अटैच नोड्स ओके मतलब इस टोपोलॉजी में क्या होता है सारे नोड्स नोड्स मतलब हर एक कंप्यूटर्स डायरेक्टली अटैच होते हैं सेंट्रल केबल से जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन है ठीक ना जिसमें कम्युनिकेशन हो रहा है ठीक ना कम्युनिकेशन मीडियम फॉर ऑल द अटैच नोट जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होगा सारे नोट्स में ठीक जैसे टोपोलॉजी का फिगर दिया हुआ है नीचे देख रहे हैं आप नोड वन नोड टू इस तरह से फाइव पाँच नोट्स यानी पाँच कंप्यूटर्स कनेक्टेड है एक केबल के थ्रू ठीक लेनियरली मतलब एक फिर दूसरा एक फिर तीसरा एक जैसे बस का खिड़की जैसे होता है ना विंडो बस का विंडो लीनियरली होता है उसी तरह कंप्यूटर लीनियरली होगा ओके नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी इन रिंग टोपोलॉजी द डिवाइस आर कनेक्टेड टू इच अदर इन ए सर्कुलर शेप फॉर्मिंग ए लूप इच नोड इज कनेक्टेड टू ओनली टू अदर नोड्स और वन एंड वन ऑन ईच साइड ऑफ द नोड मतलब इसमें क्या होगा रिंग टोपोलॉजी में राम से ही पता चल रहा है मतलब रिंग शेप बनाएगा ओके सर्कुलर शेप बनाएगा कंप्यूटर मतलब एक कंप्यूटर दो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट रहेगा फिर इसी तरह से ठीक मतलब अपने लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों के साथ कनेक्टेड रहेगा इस तरह से एक लूप बनाएगा ओके जैसे फिगर में दिखाया हुआ देखिए नीचे रिंग टोपोलॉजी का नेक्स्ट स्टार टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी मतलब इन स्टार टोपोलॉजी इच नोड इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड डायरेक्टली बाय अ सिंगल पाथ ओके इसमें एक सेंट्रल नोड रहेगा जिसमें बाकी सारे नोड्स कनेक्टेड रहेंगे डायरेक्टली ओके सिंगल पाथ से ओके okay? जैसे देखिए रिंग टोपोलॉजी में सिंगल पाथ के थ्रू पांचों नोड सेंट्रल नोड से कनेक्टेड हैं ओके तो इस तरह से टोपोलॉजी इस तरह से पैटर्न होता है नेटवर्क का ओके okay? तो नेक्स्ट है नेटवर्क आर्किटेक्चर ओके नेटवर्क आर्किटेक्चर देयर आर सेवरल वेज इन विच ए कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिजाइंड मतलब यहाँ बहुत सारा तरीका है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइन किया जा सकता है नेटवर्क आर्किटेक्चर रिफर्स टू हाउ कंप्यूटर आर ऑर्गेनाइज इन ए सिस्टमेटिक वे एंड हाउ द टास्क आर अलोकेटेड बिटवीन दिस कंप्यूटर्स मतलब ये नेटवर्क आर्किटेक्चर रिफ़र करता है कि कंप्यूटर कैसे डिजाइन ऑर्गेनाइज किया गया जा जाए सिस्टमेटिक वे से कि एंड कैसे टास्क दिया जाए कि ये टास्क अच्छे से करे ओके देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर इन विच आर वाइडली यूज दो तरह के आर्किटेक्चर है जो ज़्यादातर यूज होते हैं पहला है साइलेंट सर्वर आर्किटेक्चर साइलेंट सर्वर मतलब इसमें साइलेंट सर्वर सर्वर जो है साइलेंट सर्वर कनेक्टेड रहते हैं ठीक ना साइलेंट रहते हैं फिर सर्वर साइलेंट जो है सर्वर के साथ कनेक्टेड रहते हैं ओके साइलेंट क्या होते हैं वो मैंने पार्ट वन में बताया था ओके साइलेंट इन दिस

कंप्यूटर्स के सेम स्टेटस होता है सेम कैपेबिलिटीज होता है और सेम रेस्पॉन्सिबल होता है दे कैन कम्युनिकेट विथ ऑल द अदर्स ऑल अदर्स एंड हैव अ रोल इन दे मैनेजिंग द होल नेटवर्क इसमें सारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और रोल मैनेज करते हैं पूरे नेटवर्क को दिज स्मॉल नेटवर्क्स आर सिंपल एंड ईजी टू सेटअप बट दे डू नॉट पावरफुल फीचर्स एज अवेलेबल इन साइलेंट सर्वर नेटवर्क ओके okay. ये, ये नेटवर्क जो है सिंपल है और इजी है सेटअप करने के लिए लेकिन ये पावरफुल नहीं है उतना पावरफुल फीचर्स नहीं होगा जितना साइलेंट सर्वर्स में नेटवर्क्स में होता है ओके okay? जैसे पिर टू पिर मॉडल दिया हुआ है देख रहे हैं आप सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है कोई भी छूटा हुआ नहीं है और उससे पहले देखिए उसके ऊपर टेक कनेक्ट दिया हुआ है तो उसको जानते हैं नो द डिफरेंस नेटवर्क आर्किटेक्चर रिफर्स द एंटायर डिजाइन प्रोसेस एंड फंक्शनलिटी ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क ठीक तो नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या करता है नेटवर्क आर्किटेक्चर पूरे डिजाइन को फिर प्रोसेस को और फंक्शनिंग फंक्शनलिटी को कंप्यूटर नेटवर्क में मैनेज करता है जबकि वर्सेस नेटवर्क टॉपोलॉजी नेटवर्क टॉपोलॉजी इज द ऑर्गन अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट लिंक नोड्स एटसेट्रा ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है अरेंजमेंट्स होता है कंप्यूटर्स का नोड्स uh, का लिंक का ओके okay. ये सब का अरेंजमेंट को नेटवर्क टोपोलॉजी बोला गया लेकिन नेटवर्क अरेंज आर्किटेक्चर अलग चीज़ है जिसमें डिजाइन आता है प्रोसेस होता है फिर फंक्शनैलिटी हर एक का फंक्शनैलिटी हर एक कंप्यूटर का अपना अपना फंक्शनैलिटी है ओके नेटवर्क आर्किटेक्चर में तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं नेक्स्ट है एक्सेसिंग फाइल फ्राम ए शेयर्ड ड्राइव कैसे हम लोग फाइल को एक्सेस करें शेयर्ड ड्राइव में ओके टू एक्सेस अ फाइल फ्रॉम ए रिमोट कम्प्यूटर इज ओनली पॉसिबल इफ बोथ दाइलेंट्स यानी नोट्स आर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर मतलब अगर हमको किसी फाइल को एक्सेस करना है रिमोट कम्प्यूटर से तो ये तभी पॉसिबल होगा जब वो कंप्यूटर यानी वो साइलेंट कनेक्टेड होगा नेटवर्क से फॉलो फॉलो दिवन विलो टू एक्सेस द रिमोट फाइल इन विंडो सेवन रिमोट फाइल को एक्सेस करने के लिए विंडो सेवन में फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करेंगे ओके okay? तो फर्स्ट स्टेप क्या है गो टू डेस्कटॉप एंड डबल क्लिक ऑन नेटवर्क आइकॉन जी डेस्कटॉप में जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे नेटवर्क आइकॉन में ओके स्टेप टू क्या है इन व्यू पेन व्यू पेन में आपको देखिए uh, मिलेगा लिस्ट ऑफ कनेक्टेड डिवाइस विल अपियर डबल क्लिक ऑन द डिवाइस यू आर लुकिंग फॉर ओके फॉर एग्जाम्पल जोशी जैसे देखिए लिस्ट ऑफ कनेक्टेड साइलेंट्स नोट्स दिखाया हुआ है वहाँ देखिए जिस तरह से विंडो खुलेगा ओके okay? नेक्स्ट है और व्यू पेन में जाके उसको कनेक्टेड डिवाइस अपियर होगा डबल क्लिक करेंगे उस डिवाइस में जैसे जो फॉर एग्जाम्पल जोशी लिखा हुआ तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो खुलेगा उस पर नेटवर्क से कनेक्ट होगा ओके okay? नेक्स्ट है स्टेप थ्री ए लिस्ट ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज विल बी डिसप्लेस्ड डिस्प्लेड डबल क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड रिसोर्स एंड यू विल गेट इट्स कंटेंट इन द व्यू पेन फॉर एग्जाम्पल ऑफिस शेयर्ड ओके जैसे कोई भेज एक लिस्ट uh, लिस्ट आएगा शेयर्ड रिसोर्स का डिस्प्ले uh, डिस्प्ले होगा तो उस पर डबल क्लिक करेंगे देखिए वहाँ शेयर्ड रिसोर्स ऑफ जोशी देखिए दिख रहा है जैसे विंडो खुलेगा उस पर डबल क्लिक करेंगे तो उसमें जितना कॉन्टेंट होगा वो व्यू पेन में आ जाएगा जो कि फॉर एग्जाम्पल ऑफिस शेयर ओके वो खुल जाएगा ए लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर विल अपियर एज सोन इन फिगर उस तो जैसे फाइल और फोल्डर जैसे फिगर में दिखाया हुआ अपियर होगा वहाँ पे खुलेगा नेक्स्ट स्टेप फाइव टू ओपन एनी फाइल डबल क्लिक ऑन इट किसी भी फाइल को खोलने के लिए डबल क्लिक करेंगे उस पर फॉर एग्जाम्पल सीस एंड देन स्क्रेच इफ यू वॉन्ट टू कॉपी दिस फाइल राइट क्लिक ऑन इट एंड चूज कॉपी ऑप्शन अगर हमको कॉपी करना है तो राइट right क्लिक करेंगे और कॉपी ऑप्शन चूज करेंगे स्टेप सिक्स है राइट क्लिक ऑन डेस्क टॉप एंड सेलेक्ट पेस्ट अगर पेस्ट करना है तो पेस्ट करेंगे राइट right क्लिक करके स्ट्रेच फाइल विल भी पेस्ट ऑन द डेस्क टॉप एड सोन इन बिलो जैसे नीचे में दिखाया हुआ देखिए विंडो दिख रहा है उसका कैसे पेस्ट होता है नेक्स्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी यूजअली नेटवर्क कैन बी एक्सेस्ड ऑनली बाई दथोराइज यूजर बट देयर आर ऑलवेज ए थ्रेट ऑफ़ इंस्टन एंड थेप ऑफ डेटा विदाउट परमिशन और बाई अनऑथोराइज पर्सन यूजली नेटवर्क जो, जो एक्सेस किया जा सकता है वो सिर्फ अथोराइज पर्सन ही कर सकता है एक्सेस लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है कि अनऑथोराइज पर्सन भी विदाउट परमिशन के डेटा चोरी कर लेते हैं ओके तो टू तो तो प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम सिक्योरिटी अटैक ऑर्गेनाइजेशन जनरली टेक्स सिक्योरिटी मेजर सम ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स आर डिस्क हेयर कुछ सिक्योरिटी मेजर्स डिस्कस किया गया जैसे पहला है लॉगिन एंड पासवर्ड फर्स्ट है लॉगिन एंड पासवर्ड ऑल ऑथराइज यूजर आर गिवेंट विथ लॉग इन आई डी एंड पासवर्ड बाई नेटवर्क मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है फॉर ऑथेंटिकेशन परपसेज मतलब ऑथेंटिकेशन मतलब सिर्फ वही यूज करे इस परपसेज से उसको एक लॉग इन आई डी और एक पासवर्ड दिया जाता है यूजर आई डी और पासवर्ड दिया जाता है मैनेजर नेटवर्क मैनेजर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ठीक जिससे अनऑथोराइज पर्सन उसको ओपन नहीं कर सकता है उसके नेटवर्क को Uh, मतलब उस नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता है नेक्स्ट है एक्सेस लेवल एक्सेस लेवल डिफरेंट राइट्स एंड प्रिवलेजेज आर गिवेन टू डिफरेंट यूजर अलग अलग प्रिविलेज दिया जाता है अलग अलग अधिकार दिया जाता है अलग अलग यूजर्स को ओके तो सम यूजर्स में बी एबल टू यूज अ फ्यू अप्लीकेशन एंड डिवाइस वेरज एज अदर कैन यूज मोर अप्लीकेशन एंड डिवाइस ऑफ ऑन नेटवर्क कुछ यूजर कुछ एप्लीकेशन यूज करता है जबकि कुछ यूजर नहीं कर पाता एप्लीकेशन ओके okay? उसका यूज नहीं कर पाता है और डिवाइस नेटवर्क का ओके okay? नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज में देखते हैं चलिए नेक्स्ट है इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डेटा इनटू अनरीडेबल एंड ननबल अंडरस्टैंडेबल कोड ओके इंक्रिप्शन क्या होता है डेटा को चेंज करना मतलब अनरीड करना मतलब कोई उसको देखेगा डेटा उसको मिल भी जाएगा तो उसको रीड नहीं कर पाएगा अनरीडेबल फॉर्म में रहेगा वो अंडरस्टैंडेबल अनस्टैंड अंडरस्टैंडेबल ओके कोड रहेगा ओके नॉन अंडरस्टैंडेबल कोड रहेगा उसमें ठीक टू मेक इट रीडेबल अगेन द की इज यूज टू अनस्क्रेबल द फाइल एंड डिक्रिप्ट इट ठीक इंक्रिप्ट किया हुआ रहेगा तो उसको डिक्रिप्ट करना पड़ता है पहले रीड करने के लिए तो ये इंक्रिप्शन नेटवर्क में यूज होता है कुछ डेटा को रीड नहीं किया जा सकता ओके okay? नेटवर्क में जो जो इंस्क्रिप्शन में ही रहते हैं उसको डिक्रिप्ट करना पड़ता है पहले नेक्स्ट है फायरवाल फायरवाल क्या फायरवाल इज़ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टूल दैट प्रोटेक्ट ए सर्वर ए नेटवर्क और एन इंडिविजुअल कंप्यूटर फ्रॉम अटैक्स बाय अनऑथोराइज़्ड यूजर फायरवाल क्या होता है एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर टूल होता है जो प्रोटेक्ट करता है सर्वर को नेटवर्क को और इंडिविजुअल कंप्यूटर को अनऑथोराइज यूजर से अटैक होने से बचाता है कंप्यूटर को इट प्रोटेक्ट्स बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इनफ्लो मतलब उसमें डेटा ना तो आएगा और आउटफ्लो मतलब ना तो डेटा उससे बाहर जाएगा इसको ये कंट्रोल करता है कौन फायर ओके तो इस तरह से ये नेटवर्क कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर खत्म हो गया अब मैं दूसरा चैप्टर लाऊंगा थैंक्स फॉर वाचिंग अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ये चैप्टर रिव्यू दिया हुआ है जिसको आप रीड करके समझ सकते हैं ओके जैसे फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर रिव्यू है ए कंप्यूटर नेटवर्क इज सेट ऑफ कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग डेटा और रिसोर्सेज इच डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड नोड ओके तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है उसको बताया कि कंप्यूटर नेटवर्क मैं बता चुका हूँ पार्ट वन में कि कंप्यूटर नेटवर्क सेट ऑफ कंप्यूटर्स होता है जो डाटा शेयरिंग के पर्पज से कनेक्टेड रहते हैं और नोड क्या होता है हर एक नोड नेटवर्क में नेटवर्क जो कनेक्टेड है वो हर एक नोड एक कंप्यूटर्स होता है ओके okay? हर एक कंप्यूटर्स को एक नोड बोला जाता है नेक्स्ट लोकल एरिया नेटवर्क इज़ फॉर्म्ड व्हेन कंप्यूटर्स आर टू बी कनेक्टेड इन ए रूम बिल्डिंग हाउस or campus within 10 km a metropolitan area network is usually formed by interconnecting a number of lanes and individual computers within few hundred kilometers in a city next wide area network spans over a large geographical area, a country or a continent next pattern or way of arranging computer and other peripheral devices to form a network is known as topology टोपोलॉजी किसको बोलते हैं कि पैटर्न होता है कंप्यूटर को अरेंज करने का जो पैटर्न होता है और पेरिफेरल डिवाइस को अरेंज करने का जो पैटर्न होता है उसको टोपोलॉजी बोला जाता है नेक्स्ट इन बस टोपोलॉजी इच नोट इज अटैच अटैच डायरेक्टली टू वन सेंट्रल केबल नेक्स्ट इन ड्राॅइंग टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू इच अदर इन अ सर्कुलर शेप फॉर्मिंग लूप नेक्स्ट इन स्टार टोपोलॉजी इच नोट इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोट डायरेक्टली नेक्स्ट फायर वाल प्रोटेक्ट्स ए सर्वर ए नेटवर्क और एन इंडिविजुअल कम्प्यूटर फ्राम वायरसेस एंड हैकरस तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है नेटवर्क कॉन्सेप्ट और इसे शेयर करें सब्सक्राइब करें अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो और कुछ क्वेश्चन है एम सी क्यू है जो मुझे लगता है बन जाना चाहिए अगर आप ये वीडियो पूरी तरह से देखें अच्छे से देखें तो और फिर भी नहीं बनता है तो आप मुझे कॉमेंट करें मेरे व्हाट्सएप में कन कॉन्टेक्ट कीजिए ओके तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है जो ये भी बन जाएगा हिंट्स दिया हुआ है ट्रू फॉल्स भी बन जाएगा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स ये ये भी बन जाना चाहिए ओके क्विक रिकैप में ये दिया हुआ है और मुझे लगता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन भी बन जाएगा हाउ लेन इज़ डिफ़र फ्रॉम मेन किस तरह से डिफरेंट है ये बताना है फिर एक्सप्लेन नेटवर्क सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी को बताना है फिर मैच द कॉलम ये भी बन जाएगा सारा क्वेश्चन आसान है आपको बस एक चीज़ करना है मेरे दोनों वीडियो पार्ट वन और पार्ट टू दोनों को पूरी तरह से देखिए आपको ये सारे क्वेश्चन ए से लेकर के एफ तक आराम से बन जाएंगे कहीं दिक्कत नहीं होगा ओके okay? और फिर भी दिक्कत आती है तो आप कॉमेंट कीजिए या फिर मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिए थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग शेयर करें सब्सक्राइब करिए लाइक करें थैंक्स फॉर वाचिंग और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताएं अगर कुछ कमी हो तो बताएं थैंक यू कोविड नाइन्टीन स्टेट होम स्टडी एट होम